अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। कन्नौज पुलिस से साकाट कर दबंगों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। योजना के तहत 15 वर्ष पूर्व बना शौचालय व स्नानागार गिरा दिया गया, जिस कारण महिला का परिवार खुले में शौच जाने व स्नानादि के लिए विवश हो गया। अब इस परिवार की महिलाओं व युवतियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पुलिस चौकी के दरोगा ने पीड़ित ग्रामीण को गांव में न रहने देने की धमकी दी है। आपको बता दें कि मामला सदर कोतवाली के ग्राम नियानगंज का है। गांव की रहने वाली संजीदा बेगम पत्नी शेर मोहम्मद ने पुलिस अधीक्षक व उप जिलाधिकारी से की गई शिकायत में कहा कि ग्राम नियानगंज थाना तहसील व जिला कन्नौज में प्रार्थिनी को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करीब 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका प्रयोग प्रार्थिनी का परिवार बराबर करता चला आ रहा है। विगत दिवस प्रार्थिनी के पति शेर मोहम्मद को पुलिस ने चौकी मेहदी घाट बुलाया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ प्रेमचंद ने शिकायत की है, तुम अपना शौचालय व स्नानागार तोड़वा दो नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। पीड़िता का कहना था कि चौकी इंचार्ज ने धमकी दी है कि यदि शौचालय नहीं गिराया तो शेर मोहम्मद के परिवार को गाँव में नहीं रहने देंगे। शेर मोहम्मद अपराधी है, जबकि प्रार्थिनी के पति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसी रात्रि करीब 8 बजे प्रेमचंद मास्टर पुत्रगण छोटेलाल निवासी ग्राम नियानगंज व दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर शौचालय व स्नानागार गिरा दिया गया, जिस कारण महिला व उसकी बेटियां तथा उनका पूरा परिवार खुले में शौच जाने को मजबूर है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक व उप जिलाधिकारी की चौखट पर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले को उप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही कर पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं कन्नौज से हमारे संवाददाता आलम कुरैशी की यह रिपोर्ट। हमें न्याय चाहिए, मेरी लैट्रिन बाथरूम में चाहिए। क्या लैट्रिन को क्या हुआ? उसे तोड़वा दी गई है। किन लोगों ने तोड़वाई है? तमंगों ने। कहां शिकायत लेके आए? एसडीएम के पास आए। तो जब शौचालय टूट गया है तो अब इस समय शौचालय कहाँ जा रही हैं? खेत में जा रहे हैं। हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है? फरियाल साई। कहाँ रहती हूँ? नियानगंज। क्या है पूरा मामला? मेरी लैट्रिन गिरवा दी है जो 15 साल पुरानी थी। अगर सबके कागज़ देखे हैं तो मेरे कागज़ देखे जाएँ, सबके नहीं देखे जा रहे तो मेरे भी नहीं देखे जाएँ। पुलिस ये कह रही है कि तुम्हारे सिर्फ कागज़ देखे जाएंगे और सबके नहीं देखे जाएंगे। ऐसा क्यों? पैसा लिया है उन्होंने ना, इसलिए। तो लैट्रिन किन लोगों ने लैट्रिन गिरवाई आपकी? तमंगों द्वारा गिराई गई है लैट्रिन। लैट्रिन जब गिर गई तो इस टाइम आप लैट्रिन कहाँ जा रही हैं? गाँव में जा रहे हैं, खेतों में, खुले में शौच करने जा रहे हैं गाँव के खेतों में। ये कितने दिन हुए लैट्रिन के लिए? 7 तारीख को गिराई गई है। 7 तारीख तो स्थानीय चौकी पर आपने सूचना दी इसकी? दी थी। नहीं थी? इस पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि पुलिस क्या कह रही है इस मामले पे? पुलिस ने बहाने से पापा को उठवा के अंदर बंद कर दिया था। फिर क्या आश्वासन दे रही है? फिर यहाँ पुलिस पैसे लेके होने के पक्ष में है। पैसा किसने लिया था? दोबारा वही बोल दो जो हमने कहा था। किसने पैसा लिया? पैसा पुलिस ने लिया है। किससे? दमंगों से पैसा लेके पापा को अंदर बंद करवा दिया, उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। का क्या नाम है? सही फातिमा। कहाँ रहती हैं? नियानगंज। क्या नाम बताया? सबीर फातिमा। सबीर फातिमा? यस, सबीर फातिमा। अभी यहाँ पर कितने लोग आए? पूरा परिवार आए या अकेले आई हूँ? पूरा परिवार। अरे हम लोग पूरा परिवार तहसील पे धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी लैट्रिन नहीं बन पाएगी। हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे तहसील में, जब तक मेरी लैट्रिन नहीं बन जाएगी, मेरा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग हम खुले में, हम बताओ नहाएं कहाँ? मेरे तो बाथरूम लैट्रिन दोनों गिरवा दी गई है। मियागंज का मामला है, जहाँ पर पीड़िता ने आपके यहाँ पर आके प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका शौचालय गिरा दिया गया है, देखिए आज जो है एक हमारे पास एप्लीकेशन आया है मियागंज की रहने वाली पीड़िता, उनके हस्बैंड भी हमारे एम्प्लॉई थे, तो उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि किसी के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि शौचालय अवैध रूप से बना हुआ है और उसको गिरा दिया जाएगा।
तो हमने उसके लिए एक टीम गठित कर दी है, राजस्व पुलिस की एक टीम रहेगी, उसका वहाँ पर निरीक्षण करके और उसमें जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी उस तरह से। सर दो बेटी हैं उनके, तो क्या सरकार शौचालय पे जोर दे रही है बनाने के लिए, क्या शौचालय उनका द्वारा पुनः बनवाया जाएगा या कि कोई कार्रवाई की? निश्चित तौर पर सरकार का इतना जोर है कि लोग खुले में शौच न जाएं और अपने अपने घरों में शौचालय बना करके निवास करें। इश्यू जो इसमें आ रहा है वो हो सकता है कि अवैध रूप से निर्माण करके बनाया गया है अथवा पुराना है, किस प्रकार का है उसको जाँच के उपरांत ही उसमें जो है बनाया जा सकता है किस प्रकार से। सर जैसा कहना है कि प्रधान द्वारा बनवाया गया तो सरकारी होगा, वो सारी चीज़ें जाँच में आ गई। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।